भरतपुर जिले के बयाना में भाई की हत्या के मामले में 3 साल से न्यायिक हिरासत में चल रहे एक बंदी की बीमारी के चलते मौत हो गई। पैरालिसिस की शिकायत होने पर मृतक पिछले 4 दिनों से जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती था, जिसे पुलिस के चालानी गार्ड अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर रविवार सुबह ही बयाना जेल लेकर पहुंचे थे, लेकिन जेल में दाखिल होने से पहले ही जेल के गेट पर उसकी मौत हो गई। मृतक बंदी बयाना कस्बे के भीतर बाड़ी निवासी राकेश शर्मा पुत्र अर्जुन सिंह है, जो अपने सगे भाई की हत्या के मामले में पिछले 3 साल से जेल में बंद था। फिलहाल मृतक बंदी राकेश का बयाना CHC में ACGM श्वेता शर्मा की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की वीडियो फोटोग्राफी भी कराई जा रही है। जेल प्रशासन के मुताबिक बंदी राकेश शर्मा पुत्र अर्जुन सिंह की 8 अगस्त की रात करीब 2:30 बजे अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसे पहले बयाना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला RBM अस्पताल भरतपुर रेफर कर दिया गया। 9 अगस्त को बंदी को ब्रेन हेमरेज के बाद पैरालिसिस की शिकायत पर भरतपुर से भी जयपुर SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसे भरतपुर के चालानी गार्ड जयपुर ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा था। रविवार सुबह चालानी गार्ड हेड कांस्टेबल जगराम सिंह बंदी राकेश को लेकर बयाना जेल पहुंचा था, लेकिन उसकी फिर से तबीयत खराब हो गई। राकेश की खराब तबीयत को देखते हुए जेल प्रशासन ने जेल में दाखिल करने से मना कर दिया। इसके बाद चालानी गार्ड बंदी राकेश को बयाना CHC लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। राकेश सुनो अर्जुन सिंह धारा 302 में ADG 1 से हमारे जेल में विचाराधीन चल रहा था। 8 तारीख को करीब 2:50 पर अंदर ड्यूटी ऑफ करेडी श्री मुरारीलाल मुरलीधर ने मुझे आवाज पर रिपोर्ट दी कि वार्ड नंबर 1 में बंदी तबीयत खराब है। मैं तुरंत वहां पहुंचा, बंदी की स्थिति देखी, बंदी को बाहर निकलवाया और चालानी गार्ड को सूचना देते हुए बंदी को स्थानीय हॉस्पिटल बयाना में दिखाया। वहाँ से बंदी को तुरंत ही रेफर कर दिया। बंदी को चालानी गार्ड RBM भरतपुर वहाँ ले गई और उसको जेल वार्ड में जमा करा के रसीद लेकर के आ गई। फिर वहाँ से पता पड़ा कि बंदी की सीरियस ज़्यादा कंडीशन है। बंदी को वहाँ से RBM हॉस्पिटल से उसको SMS भर्ती कराया पुलिस लाइन की गार्ड द्वारा।